यानी हैदराबाद में ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन चुनाव होना है। चुनाव को लेकर भाजपा ने अपनी पूरी ताकत लगा दी है। हैदराबाद नगर निगम के चुनाव में भाजपा ने पार्टी के अध्यक्ष अमित शाह से लेकर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को प्रचार में उतार दिया है। हैदराबाद में हो रहे चुनाव से पहले मुख्यमंत्री योगी शनिवार को यहां प्रचार के लिए पहुंचे तो जिले के तमाम इलाके भगवा मय नजर आए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तय कार्यक्रम के अनुसार शनिवार को यहां बड़ा रोड शो करने के लिए पहुंचे हैं। उनके साथ भाजपा के स्थानीय नेताओं समेत दक्षिण भारत में भाजपा नेतृत्व के कई चेहरे होंगे। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ रोड शो के बाद एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। बता दें कि हैदराबाद में मुख्यमंत्री योगी के रोड शो के लिए भाजपा ने बड़े पैमाने पर तैयारी की थी। भाजपा कार्यकर्ताओं ने जिले के उन रास्तों को भगवा रंग से सजा दिया जहां से योगी का रोड शो कार्यकर्ताओं के संग गुजरना तय हुआ। वहीं रोड शो के दौरान सुपरहिट फिल्म बाहुबली का गाना जियो रे बाहुबली भी सुनाई दिया। इस बीच AIMIM के प्रमुख असुद्दीन ओवैसी ने भाजपा को निशाने पर लिया है। ओवैसी ने कहा कि अगर भाजपा सर्जिकल स्ट्राइक करेगी तो 1 दिसंबर को वोटर्स डेमोक्रेटिक स्ट्राइक करेंगे। ओवैसी ने कहा किसानों के मुद्दे पर मोदी सरकार को आड़े हाथों लिया। दिल्ली में किसानों के प्रदर्शन का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि किसानों के ऊपर ठंड में पानी डाला गया, यह सरकार हर मोर्चे पर फेल है। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ से पहले भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा ने हैदराबाद में शुक्रवार को रोड शो किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि उनके दौरे से पहले कहा जा रहा था कि एक पार्टी अध्यक्ष गली के चुनाव के लिए आ रहे हैं। ऐसा कहना हैदराबाद के वोटरों का अपमान है। भाजपा के आक्रामक प्रचार ने हैदराबाद के इस लोकल चुनाव को महत्वपूर्ण बना दिया है। समाचार एक्सप्रेस की रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी आवश्यक क्यों? मित्रों, अगर आम नागरिक के जीवन में सुधार लाना है, जीवन स्तर को उठाना है, नौजवानों के लिए रोजगार और नौकरी की व्यापक संभावनाओं को आगे बढ़ाना है, तो मेरा ये मानना है कि भारतीय जनता पार्टी एकमात्र सहारा हो सकती है। भारतीय जनता पार्टी के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं। और इसीलिए मैं आप सबसे आह्वान करूंगा कि भारतीय जनता पार्टी ने विकास और सुशासन की जिस नींव पर इस देश के अंदर राम राज्य की अवधारणा को पुष्ट करने और उसको सुदृढ़ करने का बीड़ा उठाया है, उस अभियान में तेलंगाना की भूमिका भी होनी चाहिए। और अगर हैदराबाद को भाग्य नगर के रूप में बदलना है तो फिर मैं आह्वान करूंगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ला करके दिखाइए। मित्रों, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में यही अंतर है, भारतीय जनता पार्टी और TRS में यही अंतर है। एक तरफ आप देखते होंगे किसी कारण से आपके पूर्वजों ने संघर्ष के बल पर इस तेलंगाना की भूमि को निजाम शाही से मुक्ति दिलाई थी। मित्रों, निजाम शाही से मुक्ति के दिवस को उल्लास के साथ इस तेलंगाना में मनाया जाना चाहिए। ये हमारे गौरव की बात होनी चाहिए कि हमने निजाम शाही से मुक्ति पा करके भारत गणराज्य का अंग बन करके भारत के योग्य नागरिक के रूप में हम पूरे देश के अंदर अपनी यात्रा को निर्विघ्न पूरा कर सकते हैं। ये हमारे लिए गौरव की बात होनी चाहिए। हम सब भारतवासी हैं, भारत माता की संतानें हैं, लेकिन इस सब के बावजूद यहां पर कांग्रेस TRS आपके निजाम शाही से मुक्ति के दिवस को उस दिवस के रूप में नहीं मनाना चाहती, क्योंकि उन्हें वोट बैंक का खतरा, उनका वोट बैंक इससे गड़बड़ाता है। उन्हें भय है कि अगर वह आपके स्वाभिमान और सम्मान के दिवस को मनाएंगे तो कहीं ऐसा ना हो कि उनका मुस्लिम वोट बैंक खिसक जाए, और मुस्लिम वोट बैंक के भय से वे लोग आपके सम्मान दिवस को भी नहीं मनाना चाहते। लेकिन भारतीय जनता पार्टी आपको इस बात के लिए आश्वस्त करती है कि जैसे भारतीय जनता पार्टी ने देश के वर्तमान गणराज्य के शिल्पी सरदार
वल्लभ भाई पटेल का देश और दुनिया का सबसे बड़ा स्मारक सरदार सरोवर के तट पर बनाने का कार्य किया है, उसी तर्ज पर निजाम शाही से मुक्ति का अभियान का कार्यक्रम और उस दिवस को मनाने का कार्यक्रम यहाँ पर होना चाहिए। यह भारतीय जनता पार्टी का संकल्प है और इस संकल्प को आगे बढ़ाने के लिए आज हम सब आपके पास आए हैं। अगर ये मुस्लिम तुष्टिकरण नहीं होती तो मित्रों, देश के अंदर कहीं भी कोई आतंकी घटना घटित होती है, उसके तार इस हैदराबाद से जुड़ते हुए नहीं दिखाई देते। कौन लोग हैं जो आईएसआई के साथ, आईएसआईएस के साथ या फिर उन आतंकी संगठनों के साथ अपने रिश्ते जोड़ने का कार्य करते हैं जो भारत की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। और आज हम सबको तय करना होगा, यह देश भारत की सुरक्षा के प्रति प्रतिबद्ध नौजवानों के बल पर चलेगा या फिर आतंकवाद, नक्सलवाद या किसी भी प्रकार के अपराध का समर्थन करने वाले कांग्रेस, टीडीपी और टीआरएस की उन मुस्लिम तुष्टिकरण भरे उन कार्यक्रमों के आधार पर जो इस देश को विभाजन के कगार पर ले जाने की दिशा एक खड़ंगकारी प्रयास किए जा रहे हैं। और आज इसीलिए हम सब आपके पास आए आपसे कहने के लिए। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंक्वेट हॉल ज्योति गार्डन, वर्ल्ड क्लास केटरिंग, सेंट्रली एयर कंडीशन, लश ग्रीन लॉन्स, स्टेट ऑफ द आर्ट लाइटनिंग, अ परफेक्ट वेन्यू फॉर वेडिंग, लॉन्चिंग एंड पार्टीज। राजघराना एंड ज्योति गार्डन एट JBD Banquets Enterprise.